हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसके पहले मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसके सभी पार्ट्स के बारे में मैंने समझाया था। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो मेन मेन पार्ट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा स्पीडली बता देता हूँ। ये है हमारी थर्मल ओवरलोड रिले, ये है हमारा मेन कॉन्टैक्टर, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है और ये है हमारा स्टार कॉन्टैक्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि जो पूरा वायरिंग है हमारा वो दो फेज के बीच किया होगा। मतलब जब यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तब ये हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है और स्टार कॉन्टैक्टर है ये दोनों एक साथ अप होंगे। और यहाँ पे इसके बाद आप राइट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ है। तो टाइमर का जो हमने टाइम सेट किया है उसके हिसाब से यहाँ पे 3 या 4 सेकंड के बाद ये अपने आप जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो अप हो जाएगा और मेन और जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है वो डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो मोटर है हमारी वो स्टार्टिंग में स्टार में चलेगी, उसके बाद यहाँ पे ये डेल्टा में अपने आप आ जाएगी 3 या 4 सेकंड के बाद। तो इसको ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं। तो इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो रिले है उसको टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग बोर्ड ले लेता हूँ। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड दोस्तों कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पूरा वायरिंग है हमारा और दो फेज के बीच हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की मदद से जो हमारे दो फेज के बीच हमने पूरा वायरिंग किया है उसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको रखूंगा। और इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ पे जो ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसको मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे ही इसको स्टार्ट करूंगा तो हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है वो दोनों एक साथ अप होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मेन और स्टार कॉन्टेक्टर है दोनों एक साथ अप हो चुके हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पे स्टॉप पुश बटन को दबाऊंगा तो ये पूरा दोनों बंद हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इसकी रिले चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसकी एनवीसी कॉइल कैसे चेक करते हैं, तो जिस तरह से हम लोगों ने वायरिंग किया है इसके हिसाब से जहाँ ये हमारी जो है वो हमारी एनवीसी कॉइल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को और चेक करेंगे। तो हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर है दोनों एक साथ अप होंगे। और जब यहाँ पे डेल्टा में हम लोग चेक करेंगे तो सेम उसी तरह से डेल्टा और मेन भी एक साथ अप होंगे। तो इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी एनवीसी कॉइल है, जैसे यहाँ पे मैं इसको रखूंगा तो ये हमारा मेन और डेल्टा दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ अप होंगे। आप देख सकते हैं दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ अप हुए हैं, मतलब हमारा जो वायरिंग है वो एकदम सही है। उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसकी एनवीसी कॉइल को चेक करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप जैसे इसको रखेंगे तो हमारी जो डेल्टा और मेन की एनवीसी कॉइल है वो दोनों एक साथ ऑपरेट होंगी, मतलब हमारा जो वायरिंग हम लोगों ने किया है वो ओके है। उसी तरह से हम यहाँ पे हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसकी भी एनवीसी कॉइल आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग एनवीसी कॉइल जो हमारी स्टार की है उसको मैं यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करूंगा। तो हमारी जो मेन एनवीसी कॉइल है, मतलब मेन जो हमारा कॉन्टेक्टर है और स्टार है दोनों एक साथ अप होंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्टार और मेन है वो दोनों एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब हमारा वायरिंग जो है वो एकदम ओके है। अब आपको मैं यहाँ पे आर टू आर, वाई टू वाई और बी टू बी का जो फेज आ रहा है कंप्लीट वो कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से ऊपर रखूँगा, दूसरे को यहाँ पे मैं नीचे रखूँगा और जो हमारा यहाँ पे प्लंजर है उसको अप करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको ये आप देख सकते हैं लैंप दिखा रहा है, मतलब ये हमारा सप्लाई आर टू आर कम्प्लीट आ रहा है। उसी तरह से मैं यहाँ पे वाई टू वाई जो कनेक्शन दे रहा है उसको यहाँ पे मैं रखूँगा, इसको अप करूँगा तो आपको यहाँ से ये कंटिन्यू दिखाएगा। उसी तरह से यहाँ पे मैं वाई टू वाई पे रखूँगा और हमारी जो यहाँ पे प्लंजर है इसको मैं अप करूँगा तो आपको आप देख सकते हैं लैंप हमारा ग्लो होगा, मतलब यहाँ पे यह सप्लाई कंप्लीट आ रहा है। उसी तरह से सेम यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी मैं आपको कंटिन्यूटी दिखाऊंगा इस तरह से दो फेज के बीच। तो यहाँ पे भी आर टू आर कंप्लीट आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे मैं वाई टू वाई पे आपको दिखाता हूँ और उसी तरह से यहाँ पे बी टू बी यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्टर चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो स्टार कॉन्टेक्टर दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारी जो लिंक है उसको शॉर्ट किया गया है। तो एक सिरा यहाँ पे रखेंगे हम और बाकी के सभी सिरों को यहाँ पे बारी बारी से इसके ऊपर रख के मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है सभी के साथ कंटिन्यूटी दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे जो पिछला वाला कॉन्टेक्ट है वो शॉर्ट किया हुआ है।
तो दोस्तों ये था हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है उसको टेस्टिंग करने का वीडियो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, वो होगा पूरा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।